गिरधरगंज वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि राघवेंद्र प्रताप सिंह और अलीनगर वार्ड के पार्षद संजय यादव ने डूडा परियोजना निदेशक से प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त के भुगतान के लिए सर्वेयर द्वारा पैसे लेने की शिकायत की। पार्षदों ने आरोपी सर्वेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। आपको बता दें, सोमवार को गिरधरगंज वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ 6 शिकायतकर्ताओं और अलीनगर वार्ड के पार्षद संजय यादव के साथ 3 शिकायतकर्ताओं ने इस संबंध में अपर नगर आयुक्त एवं डूडा परियोजना निदेशक डी के सिन्हा और परियोजना अधिकारी विकास कुमार सिंह से शिकायत की। लिखित ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि आवास योजना के सुपरवाइजर विनय राय एवं सुधांशु मिश्रा के द्वारा किस्त के भुगतान के लिए 15,000 से 20,000 रुपए लिए गए हैं। लिखित शिकायत करने वालों में चक्रधारी सीता देवी, आरती देवी, कुसुम देवी, मनोरमा देवी, संगीता देवी, योगेंद्र कुमार, सुनीता देवी, दीपिका कुशवाहा ने शिकायती पत्र दिया। इस संबंध में अपर नगर आयुक्त एवं डूडा परियोजना निदेशक डी के सिन्हा ने बताया कि आरोपी दोनों सर्वेयरों को बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि सर्वेयर सुधांशु मिश्रा की बेटी का 4 माह पूर्व देहांत हो जाने के कारण वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, जिसे हम लोगों ने कार्यमुक्त कर दिया है। अगर किसी भी सर्वेयर के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अलीनगर वार्ड नंबर 61 के पार्षद संजय यादव और अपर नगर आयुक्त एवं डूडा परियोजना निदेशक डी के सिन्हा ने कहा, हम संजय यादव पार्षद अलीनगर वार्ड संख्या 61, हमारे साथ है राघवेंद्र प्रताप सिंह पार्षद प्रतिनिधि कूड़ाघाट गिरजरगंज वार्ड संख्या 20। ये दोनों जगह के लोग आए हुए हैं अपनी शिकायत को दर्ज कराने। जनता, हम लोग आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो डूडा विभाग से आवास अलाट किया जा रहा है उसमें जो भ्रष्टाचार है सर्वेयरों द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग आज पीओ और अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा साहब को ज्ञापन दिए हैं। और हम लोगों ने मांग किया है कि जो गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है उसमें 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 तक की वसूली की जा रही है, उस वसूली को बंद कराया जाए, जांच कराया जाए और जो भी लोग उसमें दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। नहीं, जो शिकायत करने आए थे तो मैंने उसके बारे में इंक्वायर किया। वो सर्वेयर का नाम सुबोध श्रीवास्तव है, उसकी 4 महीने पहले उसके बेटे का देहांत हो गया था। हम लोगों ने उसको यहाँ से निकाल भी दिया है। वो थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वो लखनऊ में निवास करता है। मैंने पूरा तहकीकात किया इसमें, और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं से कोई भी किसी को कोई पैसा ना दे, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर दे जो प्रधानमंत्री आवास योजना की है, जो कोई जांच जाए उसको सही तथ्य बताएं, किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की स्कीम पूरी निःशुल्क है और अगर कोई इस प्रकार की होता है तो देने से पहले हम लोगों ने नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर भी है, हम लोग को फ़ोन करके बुला लें मौके पर, और अगर कोई भी इस प्रकार का पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।